अरे अरे यार गरम है मुझे बोला कम कपड़े पहनने को आप मॉडर्न जमाना मानते हो तो माई सिस्टर कपड़े नहीं पहनती। अरे तो तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है, अपना काम करो ना। तुम्हारे कच्चे पहनो क्या, तुम्हारे घर से ले रही हूँ क्या? अगर कम कपड़े पहनना मॉडर्न जमाना है तो तुमसे ज्यादा मॉडर्न तो हमारी भैंसिया है जो बिल्कुल नहीं पहनती। तुम पहनो, अपनी बहू को पहनो, अपनी बेटी को पहनो, मैं तुम्हारी कुछ रखती नहीं तब भी कपड़े नहीं पहन। आप मॉडर्न जमाना मानते हो तो माई सिस्टर प्लीज अंडरस्टैंड, सावधान। मुझे अभी कोई नहीं सुधार सकता है। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि मैं सुधरने को भी तैयार नहीं हूँ। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। मॉडर्न फैशन करने वाली उर्फी जावेद के साथ दरबार में ऐसा सुलूक हुआ जिसे सुनकर आप भी चौंक जाओगे। पूरी घटना बताएंगे उससे पहले अगर आप भी धीरेंद्र शास्त्री पे विश्वास और बागेश्वर धाम में सच्ची आस्था रखते हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय बागेश्वर धाम लिख दीजिए। जब हाल ही में धीरेंद्र शास्त्री अपने दरबार लगा रहे थे और लोगों को भागवत कथा का रसपान कराते हैं, लेकिन वहां पर छोटे छोटे कपड़े पहनने का उर्फी जावेद पहुंच जाती है। बाबा जी जैसे ही उर्फी जावेद को देखते हैं पहले तो मुस्कुराने लग जाते हैं क्योंकि उर्फी जावेद के दोनों साइड बॉडीगार्ड जो थे और बीच में उर्फी जावेद छोटे छोटे स्कर्ट के साथ बाबा के दर्शन के लिए आगे बढ़ रही थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा जब बाबा ने उर्फी जावेद से पूछा आप ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो। उर्फी जावेद कहती है ये नए जमाने का फैशन है और आपको मेरे कपड़े से क्या लेना है, मैं तो आपके दर्शन करने आई हूँ। हैरानी की बात तो यह है बाबा जी ने उर्फी जावेद को बिना दर्शन किए ही वहाँ से भगा दिया जिससे उर्फी जावेद बुरी तरह से भड़क जाती है। फिर उर्फी जावेद ने क्या कहा सुनिए। अच्छा रामायण देख के बच्चे सुधर जाते हैं, मुझे देख के बिगड़ जाएंगे। फोन देख के फोन बैन नहीं हो रहा, मतलब मुझे बैन करना है। वाह, फोन देख के बच्चे नहीं बिगड़ेंगे, मुझे देख के बच्चे। धीरेन्द्र शास्त्री ने गलत किया या सही, आपकी राय कमेंट में दीजिए। आपका टाइम सुबह।